नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, सर्दी के मौसम में कई प्रकार की बीमारी होती है। इनमें से सर्दी जुकाम खांसी एक सबसे सामान्य सी समस्या है। इसका इलाज भी आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। कई इलाजों के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन इनका सेवन करना कैसे है और किस तरह से ये आपको फायदा पहुँचाएंगी, ये आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम में आपने गर्म पानी या फिर गर्म दूध के साथ एक चम्मच हल्दी डाल के पीने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इसे पीना कैसे है ये भी समझ लीजिए। आपको एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच हल्दी घोलना है। सिर्फ हल्दी ही नहीं, इसमें आपको एक चम्मच शहद भी डालना चाहिए। ऐसा करने से सर्दी जुकाम खांसी से आपको तुरंत राहत मिलेगी, सीने में गर्माहट होगी और सीने से जमा हुआ बलगम भी बाहर निकलेगा। आप चाहे तो गर्म पानी या गर्म दूध में सिर्फ हल्दी भी मिला के पी सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए उतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गर्म पानी या गर्म दूध में हल्दी डाल के थोड़ा सा शहद जरूर डालें। दोस्तों, अदरक के भी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये ना सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करता है, बल्कि पेट से जुड़ी भी कई बीमारियों को खत्म करता है। सर्दी जुकाम या फिर फ्लू हो जाने पर ताजे अदरक को बिल्कुल बारीक काट लें और उसमें एक कप गर्म पानी मिलाएं। कुछ देर इस पानी को उबलने दीजिए, फिर उसके बाद इसे छान लीजिए। इसमें एक चम्मच शहद और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला के पीजिए। आपने अदरक की चाय के बारे में सुना होगा, लेकिन इस तरह से बनाई गई अदरक की चाय 100% फायदेमंद होती है और सर्दी जुकाम खांसी को तुरंत ठीक कर देती है। तो याद रखिए कि जब भी आप अदरक की चाय बनाए तो इसमें शहद और दालचीनी मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अदरक की चाय बनाते समय आप इसमें 6-7 तुलसी की पत्तियां भी डाल सकते हैं। इस तरह से बनाई गई चाय भी बेहद ही फायदेमंद होती है। अगर आप सर्दी जुखाम खांसी और बंद नाक से बहुत ज्यादा परेशान हैं, सीने में बलगम भी बहुत ज्यादा बन गया है जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसे आप सिर्फ 5 मिनट में कैसे ठीक करेंगे, आइए ये जानते हैं। एक गिलास पानी में आप 1 इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा कूटकर डाल दीजिए। 5 लौंग, 10 काली मिर्च के दाने, 1 इंच बड़ा दालचीनी का टुकड़ा भी आप थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिए। इसी पानी में आपको डालना है थोड़ा सा गुड़। अब आप इस पानी को हल्की आंच पर तब तक पकाइए जब तक कि ये एक गिलास पानी आधा गिलास ना रह जाए। बस ये चाय तैयार हो जाएगी। इसे छान लीजिए और इसमें 2 चुटकी साधारण नमक मिला करके इसे गर्म गर्म पीजिए। ऐसा करने से बंद नाक तुरंत खुलेगा, सीने में जमा बलगम तुरंत बाहर निकलेगा, सर दर्द ठीक होगा, गले के दर्द में भी आराम मिलेगा, अगर बुखार होगा तो वो भी उतर जाएगा, पसलियों में दर्द और कमजोरी भी तुरंत गायब हो जाएगी। इस चाय को आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सर्दियों के मौसम में बराबर सर्दी रहती है, हमेशा नाक जाम रहता है, सीने में घर घर की आवाज आती है, ऐसे लोगों को रोजाना लहसुन की 2-3 कलियां जरूर खानी चाहिए। सुबह के समय खाली पेट आपको लहसुन की कलियां जरूर खानी चाहिए। आप चाहे तो इन लहसुन की कलियों को हल्का सा तवे पर भूनकर भी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको जुखाम बार बार नहीं होगा। आप चाहे तो 4-5 लहसुन की कली को घी में भूनकर भी खा सकते हैं। दिन में 2 बार आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से जुखाम में आराम मिलता है। इसके साथ ही सर्दियों के मौसम में जिन लोगों को बराबर जुखाम रहता है, उन्हें भी इस नुस्खे से बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।